नजर सबसे पहले बड़ी खबर पर। दिल्ली के स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए आज का दिन यकीन मानिए दिवाली से भी बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवनिर्मित 3024 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके घरों का उद्घाटन करेंगे और उन घरों में रहने वाले कुछ सौभाग्यशाली मालिकों को उन फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे। दिल्ली के कालकाजी में इनसीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत ये घर बनाए गए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पात्र लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वालों को उचित सुख साधनों एवं सुविधाओं से लैस बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, 50 सालों से वेट कर रहे थे झुग्गी के लिए। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फ्लैट मिलेगा, बच्चों का सर पे छत हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या बात है। तो मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत खुशी है, आज इतने साल हो गया, इतने सालों के बाद मकान मिल रहा है, मोदी जी का धन्यवाद है। बहुत इंतजार कर रहा, कम से कम 40-50 साल से हो गए करीब। अभी मोदी जी का धन्यवाद है कि उनकी कारण हमें ये जगह मिल रहा है, ये फ्लैट मिल रहा है हमें। बहुत खुशी है। बहुत दिन हो गए झुग्गियों में 50 साल रहते, अब बहुत खुशी है कि हम मकान में जाएंगे, हमें मकान मिलेगा। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना से कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप की 3 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में खाली पड़े एक वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 EWS फ्लैटों का निर्माण किया गया है। भूमिहीन कैंप के पात्र परिवारों को नवनिर्मित EWS फ्लैटों में पुनर्वासित करके भूमिहीन कैंप की झुग्गी झोपड़ी वाली जगह को खाली किया जाएगा। भूमिहीन कैंप वाली जगह खाली कराने के बाद इस जगह का उपयोग दूसरे चरण में नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। ये एक फ्लैट है, इस फ्लैट में घुसते के साथ ही यहाँ पर लिविंग रूम बनाया गया है। लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पर एक रसोई बनाई गई है, रसोई के अंदर भी खिड़की दी गई है, लिविंग रूम के अंदर भी खिड़की दी गई है। शौचालय के साथ ही यहाँ पर एक स्नान गृह बनाया गया है। हवादार मकान को, फ्लैट को बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी भी दी गई है, यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। झुग्गी वासी रहेंगे उनको एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले काफ़ी समय से नारकीय जीवन जी रहे थे, अब उन्हें एक अच्छा समय उनके लिए आया है। और ये अच्छा समय आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि उनको अब फ्लैट मिल रहे हैं। परियोजना का चरण एक पूरा हो चुका है। 3024 फ्लैट तैयार अवस्था में हैं। फ्लैटों के निर्माण में 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फ्लैट्स समस्त नागरिक सुविधाओं से लैस हैं। इसमें विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स, सिमेरिक टाइल्स, रसोई घर में उदयपुर ग्रीन मार्बल्स, काउंटर से फिनिशिंग हुई है। सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोहरे पानी पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जलापूर्ति जैसी सुविधाएं हैं। फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक के साथ साथ सुरक्षा की भावना भी प्रदान करेगा। गिरीश निशाना के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD News।